जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस समय हम हैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी। तो ये जो खुशखबरी है दोस्तों, वो अग्निपथ स्कीम के बारे में है, टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 जून 2022 के लिए जैसे ही सरकार ने अग्निपथ स्कीम की जो है वो घोषणा की थी, तभी से पूरी इंडिया में जो है वो छात्रों द्वारा भारी मात्रा में आंदोलन चलाए जा रहे हैं। तो आपके आंदोलन के कारण दबाव में आके सरकार ने टूर ऑफ ड्यूटी यानी कि अग्निपथ स्कीम में बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो दोस्तों, क्या ये बदलाव किया है जानेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो से आपके लिए वो चीज़ पता चलने वाली है जो अभी तक आपको नहीं पता है, किसी भी न्यूज़ चैनल पे भी नहीं आया है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो वो खुशखबरी क्या है दोस्तों, अग्निपथ स्कीम में सरकार ने क्या बदलाव किए हैं, उसके लिए मैं आपको दो नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ। दोनों ही नोटिफिकेशन मैंने आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से दोस्तों जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं। एक है दोस्तों यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट एज अग्निवीर, और दूसरी है अग्निवीर की जो नोटिफिकेशन आई थी कल 20 तारीख के लिए, वो दोनों ही मैंने दोस्तों जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं। ये तो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट एज अग्निवीर, और ये वाली है दोस्तों रैली की नोटिफिकेशन। अब आपने अगर ये दोनों को अच्छे से पढ़ा है तो आपने एक बात नोट की होगी, और अगर आपने नोट नहीं की है तो मैं आपको बता दूं, और ये ऑफिशियल अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट इसका नहीं हुआ है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि जो मैं बताने वाला हूं वही होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप इन दोनों नोटिफिकेशन के लिए देखते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइए, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी में दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर कुछ ट्रेड्स के नाम दिए गए हैं। तो कौन कौन सी ट्रेड्स हैं वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले ये देखिए, अब बदलाव किया गया है सरकार ने, आपके आंदोलन के दबाव में आकर इंडियन आर्मी में जितनी भी ट्रेड्स में भर्तियां होती हैं, उन ट्रेड्स में से कुछ ट्रेड्स को निकालकर जो है वो पहले जैसी भर्ती का प्रावधान कर दिया गया है, ठीक है। जैसे पहले भर्ती होती थी उसी टाइप की भर्ती होगी, रेगुलर भर्ती होगी, ये टूर ऑफ ड्यूटी से बाहर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों अग्निवीर जनरल ड्यूटी, उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं अग्निवीर टेक्निकल, उसके बाद में स्टोर कीपर, क्लर्क, ट्रेड्समैन, ठीक है। ये जो है वो इनकी रैली की नोटिफिकेशन आ चुकी है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, अब ये थी आपकी रैली की नोटिफिकेशन और ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी दिया है वो देखिए, जनरल ड्यूटी, उसके बाद में दिया है दोस्तों अग्निवीर टेक्निकल, उसके बाद में अग्निवीर टेक्निकल एविएशन ऑब्लिक एमिनेशन एग्जामिनर, अग्निवीर क्लर्क ऑब्लिक स्टोर कीपर, अग्निवीर ट्रेड्समैन ऑब्लिक अग्निवीर ट्रेड्समैन एट्थ पास। अब आपने देखा होगा कि इन दोनों ही नोटिफिकेशन में, एक है नोटिफिकेशन, एक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। इन दोनों ही में दोस्तों नर्सिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया गया है, ना ही उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ना ही उसकी नोटिफिकेशन आई है। और दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि ऑफिशियल कोई भी अभी तक लेटर नहीं आया है, लेकिन आर्मी के अंदर ये बातें चल रही हैं और ये न्यूज़ आज भी है इंटरनल कि अग्निवीर के तहत नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती नहीं होगी। नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती पहले की तरह ही होगी जैसे पहले होती थी, और 4 साल के लिए भी नहीं होगी, ये जैसे पहले 15 साल के लिए होती थी मिनिमम, उसी टाइप से अभी भी भर्ती नर्सिंग असिस्टेंट की जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो को देखने के बाद में काफ़ी खुशी महसूस हुई होगी। तो अगर आपके रिलेशन में कोई भी बंदा है जो कि 10th पास हुआ है, आप उसको बोल सकते हैं अगर वो आर्मी में भर्ती होना चाहता है कि 11th में बायोलॉजी से 11th और 12th करे, अगर बायोलॉजी से करेगा तभी दोस्तों आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट सेम होती है GD की तरह 170 सेंटीमीटर, चेस्ट सेम होता है। इसमें क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा बदलाव होता है नर्सिंग असिस्टेंट में, इसमें होता है दोस्तों आपके पास में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट मैंडेटरी होते हैं। अगर आपके पास में बायोलॉजी है 12th क्लास में तभी आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर था नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए और अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।